गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, योर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट। आपका रिवीजन क्लास क्या शुरू है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने नंबर्स नेम बिफोर बिटवीन आफ्टर्स के बारे में पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टूडेंट्स नंबर्स 15 to 100 में पढ़ेंगे कि नंबर्स नेम हम लोग कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपको 51 स्टूडेंट्स फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, FIFTY 51। उसके बाद डैश देना है और लिखना है 51। ऐसे ही आपको स्टूडेंट्स 100 तक ही लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल रहेगा। और दो नंबर्स हैं, जैसे आपको 98 है तो दोनों के बीच में डैश रहेगा, NINETY 90, EIGST 8। यानी ये जो लेटर होगा आपका स्मॉल होगा, ये जो लेटर होगा आपका स्मॉल होगा। ओके, एंड बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स, यानी अगर कोई नंबर्स है आपका 10, अगर 10 का आफ्टर नंबर लिखना है तो हम लोग प्लस 1 ऐड कर देंगे, यानी 11 हो जाएगा। अगर बिफोर नंबर लिखना है तो 1 माइनस है तो 9 हो जाएगा, और जो बीच में आपका 10 है आपका बिटवीन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जस्ट आफ्टर मीन्स तुरंत बाद, और जस्ट बिफोर मीन्स तुरंत पहले। ओके, एंड ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स, आपको नंबर 1 डिजिट्स के होते हैं, 2 डिजिट्स के होते हैं, 3 डिजिट्स के होते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग कोई भी मैथमेटिकल वर्क्स करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, यानी इस साइड से करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है ये तो आपका 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 डिजिट्स है तो इसे हम लोग 1 मानेंगे स्टूडेंट्स, और इसे हम लोग क्या मानेंगे, 10 मानेंगे स्टूडेंट्स। वैसे ही इस नंबर में हम लोग इसे 1 मानेंगे, 4 को हम लोग 10 मानेंगे, और 6 को हम लोग 100 मानेंगे स्टूडेंट्स। यानी हम लोग के जो नंबर की प्लेस है वो हमें आना चाहिए। जैसे कोई नंबर आपको दे दे 42 और आपको 1 प्लेस पे कौन है, 1 पे, तो 1 पे 2 है और 10 पे क्या है, 4 है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही अगर कोई नंबर दिया है 5 10, ओके स्टूडेंट्स, आप प्लस 4, तो 5 10 का मतलब हुआ 10, तो हम लोग लिखेंगे 50 और प्लस 4 इज इक्वल टू 54। ओके, वैसे ही हम लोग नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 to 100 आपको आना चाहिए। 1 to 100 आपको क्या करना है, याद कर लेना है। एंड स्किप काउंटिंग मींस, स्किप मींस होता है छोड़ के। स्किप मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, छोड़ के। कोई नंबर्स दिए गए हैं यानी उसे छोड़ के हमको लिखना है। जैसे आपको कोई आपको अरेंजमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके बुक में 60, 64 एंड 62 एंड 64। ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। स्किप काउंटिंग मींस होता है कि किस पैटर्न को उसे लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, यानी जैसे आपका है 60, 62, 64 स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, प्लस 2 ऐड हो रहा है, प्लस 2 ऐड हो रहा है, यानी 2 छोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसे हम लोग स्किप काउंटिंग कहते हैं, मतलब छोड़कर गिनती कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका होगा 66, 68। तो स्टूडेंट्स ये आपको आना चाहिए। ओके, एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेटर मींस होता है बड़ा, ग्रेटर देन मतलब जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा आपका, बड़ा। जैसे 97 है और 96 से क्या है, बड़ा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 97 ग्रेटर देन 96, मतलब 97, 96 से क्या है, बड़ा है, मतलब ऐसा साइन होना चाहिए ग्रेटर देन का है। एंड इक्वल टू मतलब दोनों क्या है, बराबर है। इक्वल मतलब दोनों बराबर है, जैसे 56 प्लस इसका बक्सा दिया हुआ है 50 प्लस 6, यानी ये 56 या 50 प्लस 6 अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी आंसर 56 आएगा। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। वैसे ही आपको लेस देन क्या होता है, लेस देन मीन होता है छोटा, लेस देन मीन क्या होता है, छोटा। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये याद रखना है आपको। जैसे आपके यहाँ पे है 96 स्टूडेंट्स, लेस देन 98, यानी जो 96 है 98 से क्या है, छोटा है, 98 से क्या है, छोटा है।
यानी हमें ये बात ध्यान रखना है कि जिधर मुंह खुला रहेगा आपका वो अंक क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे अपने बुक से देख लेना है एंड उसे लिख लेना है। ओके, आफ्टर दैट एडिशन एंड वर्कशीट। एडिशन आपको दिया गया है बुक्स में, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट वर्टिकल मींस आपको दो टाइप्स के दिए जाएंगे, एक कॉलम में दिए जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल में दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे वन डिजिट, जैसे यहां पे 6 + 4 इसका टू 10, या ये आपका कॉलम में है, क्या है? वर्टिकल यानी कॉलम में है। और ऐसे देंगे 6 + 4 = 10। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको टू डिजिट्स हो या थ्री डिजिट्स हो तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट 4 and 9। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल्स जो दिए जाएंगे 62 + 32 स्टूडेंट्स, इसमें हमें वंस वंस को ऐड करके वंस पे ही लिखना है। ये हमें बात याद रखना है कि 2 and 2 को ऐड करेंगे, 2 वंस पे है और 2 वंस पे है, ये दोनों को ऐड करेंगे और हम लोग वंस लिस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 and 3 and 6 = 9, तो मेरा आंसर 94, ये भी 94। ओके स्टूडेंट्स, यानी दोनों तरीके से अगर हम लोग वर्टिकल बनाते हैं तो वही आंसर आएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो आंसर वही आएगा। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना है कि वंस को ऐड कर वंस पे ही लिखेंगे और टेंस को जोड़कर टेंस को लिखेंगे। अगर आपको वंस में कोई कैरी ओवर है तो हम उसको क्या करेंगे, टेंस को दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर 3 पॉइंट्स वाले 3 is 4, 2, 3 स्टूडेंट्स, हम लोग इसे आराम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 ऐड का साइन देना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट्स वाले हैं, तो मेरा आंसर होगा 9। क्या होगा? 9। और ये हमें 2 ऐड का साइन देना क्या है, कंपल्सरी। ओके स्टूडेंट्स, आपके बुक में बहुत सारे दिए हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही आपको दिया गया 6 + 2 + 7। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अगर बुक में दिया गया तो इसे हम लोग क्या, 1 डिजिट ऐड है, इसे हम लोग जोड़ सकते हैं 7 to 9 6 15, आपका आंसर 15। ओके, आफ्टर दैट टेंस वंस देकर आपको दिया गया है कि टेंस जोड़कर टेंस करेंगे और वंस जोड़कर वंस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें फर्स्ट में 1 डिजिट होंगे और सेकंड में 2 डिजिट होंगे, तो उसे हम लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, जैसे आपका जस्ट एग्जांपल है 12 + 4 स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया है कि वंस प्लेस को ही हम लोग वंस प्लेस से ऐड करेंगे, 4 आपका वंस पे है, 2 आपका वंस पे है, तो दोनों वंस को जोड़कर हम लोग वंस पे लिखेंगे 4 2 6 1 1, आंसर हो जाएगा आपका 60। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट आपका एग्जांपल। वैसे ही आपका है 81 + 4 = 1 5 and 8। ओके स्टूडेंट्स, 85। ओके स्टूडेंट्स, एंड 64 + 6 6 4 10 का 0 कैरी 1 4 1 7, योर आंसर इज 70। योर आंसर इज 70, यानी वंस को जोड़कर हम लोग वंस में लिखेंगे, अगर वंस में कोई कैरी है तो हम लोग टेंस को दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी सिंपल एडिशन एंड कैरी। अब कैरी का भी एडिशन हमें क्या करना है, सीखना है, ये आपका बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई आपको एंड वंस में कैरी होता है तो उसे हम लोग कैसे टेंस में कैरी देंगे, जैसे आपका 75 66, ये आपका कैरी ओवर एडिशन है। 5 6 11 का 1, जो आपका 5 and 6 है उसका 11 का 1 लिखेंगे, 11 हम लोग लिखते थे ऐसे, लेकिन मैंने यहाँ पे 11 का 1 ही लिखा क्योंकि एक कैरी मुझे देना है क्योंकि 2 डिजिट्स ऐड है। ओके, 5 6 11 का 1 कैरी हुआ आपका 1, और 7 6 13 का 1 14, योर आंसर इज 141। ओके, योर आंसर इज 141, ये आपका कैरी ओवर एडिशन। इस तरह आप लोग बहुत सारे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये बात भी याद रखना है कि अगर 0 हो तो 0 को किसी संख्या में हम लोग ऐड करते हैं तो खुद उसका आंसर वही होता है, जैसे 5 + 0 = 5 और 7 = 9, यानी 0 + 5 = 5,
5 प्लस 0 इक्वल टू 5, यानी कोई भी नंबर में 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, अगर उस नंबर 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर इटसेल्फ ही होगा। उसका आंसर क्या होगा? इटसेल्फ ही होगा। यानी कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 64 26 और प्लस 0, योर आंसर इज 26। जैसे आपका एडिशन का है वैसे आपका सबट्रैक्शन का है, जैसे आपका एडिशन का है वैसे ही आपका सबट्रैक्शन का है। यानी 26 में 0 ऐड करें तो आंसर मिला आया 26। वैसे ही अगर 26 माइनस 0 करें तो आंसर 26 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर एक्सेप्ट भी रहता है, उसका आंसर एक्सेप्ट भी रहता है। ओके, एंड सब्ट्रैक्शन सेम सब्ट्रैक्शन, जैसे हम लोग एडिशन है वैसे ही हम लोग का सब्ट्रैक्शन भी है, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। जैसे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, एंड 2 डिजिट है 82 माइनस 4, योर आंसर इज 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2। ये आपका सिंपल है। अगर इसमें कैरी ओवर है तो कैरी ओवर, जैसे आपको ऊपर साइड क्या हो बड़ा हो और नीचे साइड क्या हो छोटा हो, तो बगल वाले से हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे। जैसे आपका है 74 माइनस 50 25। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है कि 4 क्या है, छोटा है 5 से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बगल से क्या करेंगे मांगेंगे, एक बगल से क्या करेंगे मांगेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 40, और 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ एक कम हो जाएगा तो 6 में से आपका 2 जाएगा तो 4, तो आपका आंसर होगा 49। क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, 49 में 25 ऐड कर दीजिएगा, तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, कैरी 1 और 5 1, 5 और 2 6 इज इक्वल टू 7, योर आंसर इज 74। योर आंसर इज 74। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, यानी इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, कैरी ओवर सब्ट्रैक्शन। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर जीरो है ऊपर में और नीचे कोई संख्या है तो स्टूडेंट्स उस जीरो को हमें 10 टेक करना है। क्या करना है? 10। ऐसे जीरो में से 5 तो नहीं जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसको 5 लिख सकते हैं जो क्या है गलत है। स्टूडेंट्स पहले 5 तो लिखना ही है लेकिन इसको 10 मानना है। ओके, जैसे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, योर आंसर इज, यहाँ पे कम हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी 45। जस्ट एग्जाम्पल 60 माइनस 23। स्टूडेंट्स यहाँ तो आपने 5 लिखा, कोई बच्चे लिखेंगे 5 को मानेंगे लेकिन कैरी ओवर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और यहाँ 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, योर आंसर इज 37। योर आंसर इज 37। ओके स्टूडेंट्स, एंड वर्कशीट 3, टिक द करेक्ट आंसर, ऑल क्वेश्चन डू इट हिमसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, एंड डिवीजन सबट्रैक्शन एडिशन एंड वर्कशीट 3। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।